कहानी सुनाने वाली छोटे बच्चे की भूत वाली। चल, एक बार छोटा बच्चा था, वो एक जंगल में रहता था और उसकी मम्मी बहुत प्यार करती थी। तब एक भूत आ गया, रात में छोटे बच्चे सो रहे थे तो उनके पिता और मम्मा को और उनके सारे बच्चे को अब बात सुनाई पड़ी। कौन सा कपड़ा खोल ले जाए ना कमरे के। अरे स्टार्ट। चलो फिर एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बच्चों के, वो भूत रहती हैं। चलो मैं सुनाती हूँ आप सबको। एक बार छोटा बच्चा था, वे गांव में रहता था तो उसकी कोई नहीं मम्मी पापा थे, तो बस वो अकेला अपना कंबल नाक कर छोटा था। क्यों ना कि भूत नहीं आ जाए बच्चे को पकड़ ले। तभी एक उधर अब सुनाई पड़ी बच्चे को, बच्चे की मम्मा को और उनके चार बच्चे डर गए ना कि ऊपर कुछ बच्चा है भूत है, क्या वो उसे खाने आता है क्या। तो फिर उनका बच्चा उनके पास ही बैठा रहता तो उनकी मम्मा पिता छूने क्या वो आवाज कौन है, तो छूने एक भूत का है। तभी रात में एक फिर से छुआ, फिर छुबे हो गई तो बच्चा अपनी मम्मा पापा से बोला, मम्मा पापा एक उधर भूत चा। कौन सा भूत? भूत करे तो उसके मुंह पर चेला लगे हुए थे। कौन सा चेला? वो जो ने उनके मुंह लगाए थे। तो रो फिर कहानी खत्म हो गई थी, एक और कहानी बच गई थी थोड़ी सी, एक बनी कहानी थी। वो हम तो छोटे बच्चे इतने गिने थे, उनका हम तो दिल सारे बाबू फिर खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। फिर उनका दोस्त लड़ाई करने लगे तो उनकी दीदी फिर मारने लगी, तो ये मेरा भाई, ये मेरा ताज मत। तो उसका बाबू बोला ठीक है, तो आज खेलने चला गया। तभी एक भूत की फिर चबा सुनाई पड़ी। फिर चबाने क्यों सुनाई पड़ी मैं कि रोज रोज भूत क्यों आता है? तो उसकी मम्मी ने पूछा, मम्मी रोज रोज क्यों भूत आता है? अरे वो ना कि जंगल में रहते हैं ना, इसलिए लिए ठीक है आने दो रोज रोज। तो उसका छोटा बच्चा क्या ना माना मम्मी, फिर वो हमें खा लिया तो अरे नहीं खाएगा, मैं इतनी बड़ी हूँ ना, इसलिए तुम नहीं, इसलिए आप मेरा बच्चा इतना बड़ा था और वो भूत को मार भी सकता था, उसके पास इतना बड़ा सा डंडा था, फिर वो मरता है। फिर वो कहानी भी खत्म हो जाती थी। फिर वो आज आवाज सुनाई पड़ी। अब कहानी खत्म हो गई थी, अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे हम। नहीं बस अब बाय करो। बाय गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, बाय गाइस।